भदोही जिले के सुरियावां कोतवाली से महज चंद कदम की दूरी पर 52 बीघा तालाब पर हनुमान मंदिर पर पुजारी के तौर पर रहने वाले 75 वर्षीय सीताराम नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्याय ने सुरियावां थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह सहित 4 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि आज सोमवार की सुबह सुरियावां बाजार से सटे 52 बीघा तालाब के हनुमान मंदिर पर पुजारी के तौर पर काम करने वाले 75 वर्षीय सीताराम नाम के व्यक्ति की गला रेत कर हत्या की घटना की जानकारी मिली थी और घटना की जानकारी होने के बाद घटना स्थल का जायजा लेने के लिए डीआईजी आरपी सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ भदोही अजय कुमार चौहान मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि सुरियावां पुलिस मामले में लापरवाही बरती है। असल जानकारी है कि सुरियावां के 52 बीघा तालाब पर आज जिस जगह पर पुजारी की हत्या की घटना सामने आई है, इसी मंदिर में पिछले दिनों घंटा चोरी की घटना सामने आई थी और लगातार इस बात की पुलिस से शिकायत की जा रही थी कि 52 बीघा तालाब का हनुमान मंदिर सुनसान इलाका होने के चलते यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर सुरियावां पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस ने मामले पर लीपापोती कर दी, जिसके चलते आज पुजारी की हत्या की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय पुजारी सीताराम की हत्या की घटना की जानकारी होने के बाद डीआईजी आरपी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने घटना स्थल का जायजा लेके घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमों को गठित किया है। पुलिस ने मामले में सुरियावां पुलिस की लापरवाही पाई है, जिसके बाद एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने इस घटना पर लापरवाही बरतने के आरोप में सुरियावां थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह सहित सुरियावां थाने पर तैनात 4 पुलिस कर्मियों को एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के निर्देश पर 5 टीमों का गठन किया गया है और इस मामले में पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई। आज दिनांक 30 सितंबर को प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना सुरियावां पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुरियावां क्षेत्र के कस्बा सुरियावां में स्थित 52 बीघा तालाब में बने हनुमान मंदिर में रहने वाले एक 75 वर्षीय पुजारी, जिनका नाम सीताराम है, उनका शव वहीं के बने कमरे में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना सुरियावां पुलिस, क्षेत्राधिकारी भदोही, मेरे द्वारा, उच्चाधिकारी गणों के द्वारा फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। शव को प्रथम दृष्टया देखने पर गर्दन पर पीछे कुछ पुरानी चोट के खाल उतरने जैसे छोटे छोटे निशान हैं। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।